के साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। उत्तर प्रदेश की खबरों से सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का जो कार्यक्रम है उसमें वो सबसे पहले आगरा वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए निकलेंगे। सुबह 11:30 बजे के आसपास सबसे पहले आगरा के एपी कॉलेज में सम्मेलन होगा जिसमें शिरकत करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास आगरा के एमजी रोड में ये सम्मेलन होना है, उसमें भी वो नजर आएंगे। तो वहीं 4 बजे वाराणसी यानी काशी पहुंचेंगे लोकसभा बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पूरी तरीके से मिशन मोड पर नजर आती है भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी लगातार एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। अगर आप एक हफ्ते का ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो आप पश्चिम से होते हुए ये पूरा जो उनका चुनावी रथ है लगातार वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी 80 की 80 सीटें यूपी की जीतना चाहती है, 400 पार का नारा है। चुनाव में बेहद मजबूती के साथ खुद को उतार रही है भारतीय जनता पार्टी और स्टार प्रचारक जितने भी हैं, खासतौर पर खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री समेत गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई ऐसे नेता हैं जो हर राज्य में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सीटों पर खासतौर पर नजर है क्योंकि कहा जाता है कि अगर दिल्ली का तिलक करना है, दिल्ली में तिलक करवाना है तो आपको सबसे पहले यूपी की 80 सीटों पर सेंधमारी करनी होगी। जो यूपी का किला भेदता है, यूपी में लखनऊ राजधानी को नवाबी शहर जिसको कहा जाता है, जो नवाबी शहर को जीत लेता है वो राजधानी दिल्ली तक का रास्ता प्रशस्त कर लेता है। तो 7 RCR में बैठने के लिए सबसे साफ रास्ता यूपी से होकर जाता है और इन्हीं सीटों पर लगातार नज़र आज बनी रहेगी। न केवल हमारी नज़र बनी रहेगी बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जो कार्यक्रम है आगरा और वाराणसी का वो भी हम आपको बता रहे हैं। आज आगरा और वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, इसमें तमाम वर्गों के लोग शामिल होते हैं जिनको सीधे सीएम से संवाद करने का मौका मिलता है। आगरा वाराणसी दोनों ही जगहों पर आज ये प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया है और साफ तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर के जो रणनीति है उसके तहत ये एक तरीके से प्रचार लगातार किया जा रहा है, विस्तार जिससे बीजेपी का हो सके इसीलिए मजबूती के साथ प्रचार। तो साफ तौर पर आज के ये दौरे बेहद इस मामले में अहम हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं दौरों से नई जो सियासत की धुरी है वो तैयार की जाती है। दरअसल 80 लोकसभा सीट जो उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाती है ये अपने आप में दिल्ली को निर्धारित करती है। इसका साफ उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश ने कई न केवल मुख्यमंत्री बल्कि कई प्रधानमंत्री दिए हैं। तो ऐसे में आप सोचिए इन सीटों की महत्व कितना बढ़ जाता है, महत्व कितना इन सीटों का रहता है। न केवल इतना बल्कि यही वजह है कि आज गृहमंत्री अमित शाह भी आज उत्तर प्रदेश में होंगे। तो यानी साफ तौर पर चौतरफा जो रणनीति के तहत काम कर रही है बीजेपी, बूथ लेवल को मजबूत करना है, बूथ से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक सभी इसी कड़ी में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीता जा सके और न केवल सीटों को जीता जा सके बल्कि इन सीटों के जरिए 400 का जो नारा है 400 पार उसको संपन्न किया जा सके। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस नारे को कैसे भारतीय जनता पार्टी जो भुनाती है वो कैसे इस बार चुनावों में उतर कर आती है और कितनी मजबूती के साथ ये नज़र आती है। तो ये दौरे इस मामले में बेहद अहम और ख़ास हो जाते हैं। इन दौरों को लेकर के जो जानकारी हम आपको दे रहे थे लगातार कि आज क्या कुछ सीएम का दौरा रहने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज अपना नामांकन करेंगे। दोपहर 1:15 बजे उनका नामांकन फॉर्म दाखिल किया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा को संबोधित भी आज करेंगी। नामांकन भरने जाने से पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया है। साथ ही भोपाल एयरपोर्ट पर एलएन इंफ्रा के सीएमडी और भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर एलएन मालवीय ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर उनका इस मौके पर स्वागत भी किया है। उनकी जीत को लेकर अग्रिम बधाई भी इस मौके पर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब डॉक्टर एलएन मालवीय ने वीडी शर्मा से मुलाकात की है और आज नामांकन मुख्तार की मौत और वरिष्ठ जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी के बाद बांदा जेल हाई अलर्ट पर नजर आता है। धमकी मिलने के बाद जेल और वरिष्ठ जेल अधीक्षक के घर की सुरक्षा लगातार बढ़ा दी गई है। वहीं सुबह शाम जेल में पुलिस का फ्लैग मार्च भी हो रहा है।
पुलिस की सख्ती के बाद बंदी जो है वो परेशान नजर आते हैं। बंदियों को बैरक से कहीं जाने की इजाज़त इस वक्त नहीं दी जा रही है। वहीं कहा तो ये तक जा रहा है कि एक बंदी को दूसरे बंदी से बात करने की भी इजाज़त नहीं है। दिन भर अधिकारी और पुलिस की आवाजाही से बंदियों में खौफ का माहौल बना रहता है। हालांकि वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेज राज का कहना है कि जेल में सब कुछ सामान्य और खौफ जैसा कुछ भी नहीं है। तो साफ तौर पर जेल में जो बंदी हैं उनमें खासा इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। किसी से किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है, बैरक से ज़्यादा बाहर आने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में जो डर का माहौल है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस की सख्ती जो है इस पूरे बंदी एक तरीके से कहें बंदी गृह जो है वहाँ पर देखी जा रही है। मुख्तार की मौत के बाद से ही जो बंदियों में खौफ का माहौल है, जो वहाँ पर सजा याफ्ता हैं उनमें खौफ का माहौल जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। जेल अधीक्षक ने साफ कहा है कि कोई भी खौफ जैसा माहौल नहीं है, सब कुछ सामान्य है और कहीं पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली खबर फरुखाबाद से सामने आ रही है, जहां एही के गांव में 10 एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया है, जिसके सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण इस मौके पर किया। निरीक्षण के बाद सीएमओ को एचआईवी मरीज मिलने की जानकारी नहीं मिली है, जिसके बाद उस गांव के कई और लोगों ने एचआईवी की जांच कराई। ये पूरा मामला ब्लॉक कमालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। तो सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण इस मौके पर किया, जैसे ही पता लगा फरुखाबाद में कि 10 एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद जो गांव के और लोग हैं उन्होंने भी अपना टेस्ट करवाना शुरू कर दिया है और लगातार एक के बाद एक जब एक खबर सामने आई तुरंत सीएमओ की तरफ से खुद सीएमओ वहां पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर निरीक्षण किया। कमालगंज फरुखाबाद की यह खबर सामने आ रही है। फरुखाबाद में 10 एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिलने की बात सामने आई थी। कमाल, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक 10 एचआईवी के मरीजों का इलाज चल रहा है। बाकी अभी हमने जांच की हुई है, औरों की रिपोर्ट अभी नहीं आई हुई, 10 फाइनल रिपोर्ट है जिनकी एचआईवी की दवाई भी चल रही है, आरटी चल रही है और वो अभी स्वस्थ है। स्वस्थ हैं तो इसमें क्या स्वास्थ्य में बराबर देख रेख में है क्या ये लोग? हाँ, ये हमारे काउंसलर बार इनके टीम में कैंप भी लगाते हैं और बार बार घर जाके काउंसलिंग भी करते हैं, ये पूरी देख रेख में है हमारे। खबर रायबरेली से है, जहां एम्स में दिखाने आए मरीज को सिक्योरिटी गार्ड ने जमकर पीट दिया। लात जूतों से मरीज की जमकर पिटाई की गई। वहीं पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एम्स प्रशासन में हड़कंप सा मच गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देखिए किस निर्ममता और बर्बरता के साथ सिक्योरिटी गार्ड लातों से वार करते हुए नजर आ रहे हैं मरीज पर। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किसी ने वीडियो बना ली और देखिए बिल्कुल अभद्रता की सारी सीमाएं पार की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें अभद्रता करते हुए लात से व्यक्ति के छाती पर और मुंह पर मारा जा रहा है। तो साफ तौर पर ये तस्वीर आने के बाद एम्स प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस तरीके की बर्बरता एक मरीज के साथ कतई जायज नहीं है। बरेली के इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की थी। इस दौरान साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 400 पार के पीछे पीएम मोदी के विकास के 10 साल हैं। हर तरफ जनता एक ही गुणगान कर रही है, एक बार फिर से मोदी सरकार कह रही है। सीएम ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास लगातार हो रहा है। तस्वीरें आपको उसी कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। विकास की बयार उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार, तो वहीं केंद्र में मोदी सरकार एक बार फिर से, इस बार का नारा लगातार जनता लगाती नजर आई।
देखिए ये प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए, और जैसे हमारा ये बरेली जनपद है, यहाँ के जो प्रमुख चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारीगण हैं, सीए हैं, वकील हैं, ऐसे लोग जो ये बरेली शहर को चला रहे हैं, बरेली शहर में अपना एक स्थान रखते हैं, उन लोगों को इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियाँ रीतियाँ इन लोगों के माध्यम से आम जन तक पहुंचे हैं। और अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, ये नारा हमारा साकार हो, इसके लिए ये प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया। धन्यवाद। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आ रही है। यहाँ वायुसेना की टीम मिशन गगन शक्ति के अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतारकर अपना शौर्य दिखाएगी। आपको बता दें कि 6 से 7 अप्रैल को बगरमऊ स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतरने का कार्यक्रम संभावित है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बगरमऊ के खम्बोली गाँव के पास बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्राइक पर भारत का दमखम दिखेगा। ये 6 व 7 अप्रैल को सुखोई, मिराज, जैगवार MI-17 और कैरियर एयरक्राफ्ट हरक्यूलिस सी समेत 14 से 15 विमानों के एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर उतरने की संभावना है। वहीं सीओ बगरमाऊ अरविंद चौरसिया वायुसेना के मिशन गगन शक्ति के सफल बनाने में पुलिस फोर्स के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बगरमऊ के खम्भोली गांव के पास ये बनी है 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्राइक, जहां पर भारत अपना दमखम दिखाने वाला है। ये 6 व 7 अप्रैल को दिखाई देगा, यानी 6 और 7 तारीख को इस अप्रैल में दिखाई देगा, जिसमें सुखोई, मिराज, जगुआर, MI-17 कैरियर एयरक्राफ्ट, हरकुलिस सी समेत 14 से 15 विमान इस एक्सप्रेसवे पर भारत का दम दिखाएंगे, और देखेगी दुनिया कि कैसे हिंदुस्तान कि ये ताकत बढ़ती नजर आती है। आज एयरफोर्स के कार्यक्रम को देखते हुए यूपीडा द्वारा डायवर्जन स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि 239 पॉइंट से लेकर के 244 पॉइंट तक है। लगभग ये 4-5 किलोमीटर का जो डायवर्जन है वो एक्सप्रेसवे का सर्विस लेन के थ्रू चलाया जा रहा है। जो आसपास के गाँव से कट है वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। कोई भी गलत रास्ते गलत दिशा में वाहन यहाँ पर प्रवेश किया जा रहा है। ये बड़ा मिशन जो देखने को मिलेगा, तो इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। मेरठ में टायर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग जाती है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो जाता है। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। साथ ही पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही, और इन सब के बीच आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको उसी की दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को देख पा रहे हैं, दीवार तोड़ करके किसी तरीके से टायर के गोदाम में जो आग लगी है उसको बुझाने की जद्दोजहद मशक्कत करते नजर आ रहे हैं आपको फायर ब्रिगेड के फायरकर्मी। फिलहाल टायर के गोदाम में जो आग लगी है इसका कारण क्या है इसकी पड़ताल में लगे हैं, लेकिन अब तक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये धू धू का जलता हुआ गोदाम की तस्वीरें हैं, जिस पर लगातार फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर की गाड़ियां लगातार मुस्तैदी के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आ रही है। किसी तरह से इस आग पर काबू पा। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां एक कार के शोरूम में आग लगने की खबर सामने आई। आपको बता दें कि किसी प्रकार की कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू तो पा लिया। वहीं CFO राहुल कुमार ने बताया कि सुबह करीब 5:30 यानी 5:28 के आसपास आग लगने की उन्हें सूचना मिली थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गईं। आग पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन कार का शोरूम जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि अंदर कोई था नहीं उस वक्त जब ये हादसा हुआ है, लेकिन इसमें सामान जलने यानी जन हानि का तो नुकसान का नहीं है, लेकिन माल हानि का नुकसान जरूर इसमें साफ तौर पर नजर आया। और जैसे जैसे गर्मी शुरू हो रही है उसके साथ ही आग लगने की घटनाएं जो हैं वो अत्यधिक बढ़ जाती हैं।
तो समाजवादी पार्टी बदायूं से नेता उतारने के लिए लगातार जद्दोजहद में नजर आती है। बदायूं से शिवपाल यादव नहीं अब बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में शिवपाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि आदित्य यादव यहां से चुनाव लड़ें तो उनकी बात राष्ट्र नेतृत्व तक भेज देंगे और आदित्य चुनाव लड़ेंगे। वहीं धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा कि चाचा शिवपाल यादव के साथ काम करने में हिचक होती है, बड़ी बात कही है, लेकिन भाई के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि हाथ मिलते रहे जाएंगे सफाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। सपा में सामान्य कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने और नारे लगाने तक ही सीमित है। बयान भी सुनाते हैं आपको। और कार्यकर्ता सम्मेलन बबराला में हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज गुन्नौर विधानसभा का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और इसी तरीके से बिसौली हो चुका है, बदायूं विधानसभा का हो चुका है, सहसवान विधानसभा का हो चुका है, आज था गुन्नौर विधानसभा का, तो ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है। हाथ मलते रहेंगे सफाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई, यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। समाजवादी पार्टी में पहले बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट घोषित किया, अब शिवपाल सिंह यादव वहां बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए है, उसकी किस्मत में। सांसद जी, जैसे आज गुन्नौर के बबराला में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है जिसमें आप भी हैं और चाचा शिवपाल भी हैं और आदित्य यादव भी हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन? पूरी समाजवादी, हम लोग तो है ही परिवार के, बाकी पूरा हमारा गुन्नौर समाजवादी परिवार आज यहाँ मौजूद था और सबने मिलकर संकल्प लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने को और यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताने का ऐतिहासिक संकल्प सभी ने लिया है। हाथ मलते रहेंगे सफाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई, यही समाजवादी। जालौन में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो जाता है। हादसे में महिला सहित करीब 25 मजदूर इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरी घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कठौड़ा की बताई जा रही है। 25 मजदूर इसमें घायल हो जाते हैं, घायलों को अस्पताल में फौरन भर्ती कराया जाता है जहां उनका इलाज लगातार चल रहा है। इस टक्कर में 25 मजदूर घायल हो जाते हैं, तो साफ तौर पर यह बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिलता है। उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुठोडोड़ा की यह पूरी घटना बताई जा रही है और अचानक से ये भिड़त में जो 25 लोग सवार होते हैं वो कई उसमें से गंभीर रूप से घायल हैं तो कई जख्मी बताए जा रहे हैं। अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉली के इस टक्कर से 25 मजदूर फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको, ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उसी में ये लोग सवार होकर जा रहे होते हैं और ये अचानक से पलट जाती है और ये पूरा हादसा होता है जिसकी वजह से 25 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, यानी जो उसमें सवार लोग थे वो तमाम इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं। खबर लखनऊ से सामने आ रही है जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें मायावती, आकाश आनंद और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का नाम शामिल है। आपको बता दें कि मायावती खुद प्रदेश भर में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। यह स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। स्टार प्रचारकों में सबसे पहले मायावती का नाम और उसके बाद आकाश आनंद का नाम और सतीश मिश्रा समेत कई नाम आप देख पा रहे हैं एक के बाद इसमें शामिल हैं। तो पूरी तरीके से दमखम के साथ समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी है और इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की भी लिस्ट अब सामने आ गई है। तो ये तमाम जो नाम हैं वो प्रचार में शामिल नजर आएंगे। स्टार प्रचारक हैं मायावती समेत कई नाम इस लिस्ट में शामिल रखे गए हैं। 40 नाम हैं इसमें फिलहाल, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं।
ये जो लिस्ट है बहुजन समाजवादी पार्टी की है, जो लोकसभा चुनाव में दमखम दिखाते नजर आएंगे बहुजन समाजवादी पार्टी का। खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां आज सुबह के समय चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल समेत एक तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस को मिली सफलता पर टीम को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। तो औरैया से पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है, इस सफलता के साथ दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इन अभियुक्तों की, जिन पर मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस इनके पास से बरामद किया गया है। तो ये औरैया की खबर है उत्तर प्रदेश के, और शातिर को, ये दोनों शातिर जो हैं, बेहद मोटरसाइकिल और एक तमंचा इन शातिरों के पास से औरैया पुलिस ने गिरफ्तार किया। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में नजर आती है, किसी भी तरीके की कोई भी व्यक्ति चुनावों के दौरान संदिग्ध गतिविधियों में अगर नजर आता है तो उस पर तुरंत और कार्रवाई की तरफ यूपी पुलिस नजर आती है। और औरैया में पुलिस ने इन दोनों ही अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि 30 साल से कम की उम्र के ये दोनों युवक नजर आ रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल तमंचा तक इनके पास से बरामद हुआ है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया, जनपद औरैया द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अध्यक्ष पुदरकोट श्रीमती पूजा सोलंकी में पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 2 अप्रैल 2024 की भोर में संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान गढ़वाना रोड थाना क्षेत्र पुदरकोट से समय करीब 2:40 बजे दो शातिर अपराधी क्रमशः शिवा यादव पुत्र राकेश उम्र 19 वर्ष निवासी नगला इजोर थाना छलदा जनपद औरैया तथा विशाल राठौर पुत्र ब्रजेश उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सामो थाना भरतना जनपद इटावा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल हीरोडा स्प्लेंडर UP 13BD 5868 तथा विशाल के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गहराई से पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि यह मोटरसाइकिल दिनांक 29 मार्च 2024 को नोएडा के फेज 2 से चोरी किया गया है। इस संबंध में फेज 2 थाने में अभियोग पंजीकृत है। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों अभियुक्तों को न्यायालय रिमांड भेजा जा रहा है। थाना अध्यक्ष पुदरकोट व उनकी टीम के इस सराहनीय कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज अपना नामांकन करेंगे, तो दोपहर 1:15 बजे नामांकन फॉर्म दाखिल किया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा को संबोधित भी आज करती नजर आएंगी। नामांकन भरने से पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी माँ का आशीर्वाद भी लिया है। साथ ही भोपाल एयरपोर्ट पर एलएन इंफ्रा के CMD और भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर एलएन मालवीय ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर उनका स्वागत किया है, उनकी जीत को लेकर अग्रिम बधाई भी दी है। तो साफ तौर पर आज ये बड़ी तस्वीर सामने आएगी निकलकर, जहां स्वागत किया गया और जीत को लेकर अग्रिम बधाई भी दी गई है। वीडी शर्मा सीएम की मौजूदगी में आज नामांकन भरेंगे। खुद डॉक्टर एलएन मालवीय ने वीडी शर्मा से इस मौके पर मुलाकात की है और उनकी जीत को लेकर अग्रिम बधाइयां भी उनको दी है। तो आज नामांकन रैली भी आज होने वाली है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर एलएन मालवीय वीडी शर्मा के साथ ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतने, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहे TV 27 न्यूज।